मेरा नाम कृष्णा नागर है, मैं पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ टोक्यो 2020 में, और मैं और साथ में मैं एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ 2018 में सिंगल्स में, और उसके बाद ये मेरा सेकंड एशियन गेम्स है। इस टूर्नामेंट के लिए मेरी खास तैयारी यही है कि मैं पहले मिस्टेक्स करता हुआ आ रहा था, मैंने उन चीज़ों पर वर्क किया है पहले से, होप्स कि हाँ यहाँ मैं अच्छा कर सकूँ और गोल्ड मेडल लेके जा सकूँ। 2022 एशियन पैरा गेम्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा सेकंड एशियन गेम्स है, साथ ही साथ मेरा फर्स्ट एशियन गेम्स है उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। सो मैं कोशिश करूँगा इस बार कि मैं अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ और यहाँ से गोल्ड लेकर के जाऊँ। बैडमिंटन कंटिजेंट का जो मेडल है उस अच्छे से अच्छा जाएगा, क्योंकि इस बार कंटिजेंट भी बढ़ा है और प्लेयर्स जो भी हैं, हर कैटेगरी के जो भी प्लेयर्स हैं, सब बेटर है पहले से। सो होप है कि आई थिंक 20+ तो जाने ही चाहिए बैडमिंटन से मेडल, मोर देन 20। मेरा नाम सुकांत कदम है, मैं पैरा बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में खेलता हूँ और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। तैयारियाँ तो बहुत की है क्योंकि 4 साल में एक बार आता है, तो काफ़ी महत्व रखता है इस टूर्नामेंट का, और जैसे कि ये क्वालिफिकेशन इवेंट भी है पेरिस के लिए, तो वो एक एक्स्ट्रा उसका एडवांटेज होता है, और थोड़ा सा मतलब आप बोलो कि ये पूरा देश हमें देख रहा होता है, तो इसलिए इसका मतलब बहुत अच्छा ये है कि यहाँ पे आके हम खेल पाएंगे। एशियन गेम्स में ख़ास तौर के एम कर रहे हैं कि 10 से 15 मेडल कम से कम आए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड हो, ये हमारा लक्ष्य है। डेफिनेटली उन्होंने 100 पार का नारा लगाया था, और डेफिनेटली हम भी 100 से ऊपर ही ले आएंगे, ये हमें कॉन्फिडेंस है। सारा पैरालंपिक टीम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली जो सपोर्ट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे पैरालंपिक इंडिया से मिला है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली 100 पार तो पक्का है। ये मेरा 4th पैरा एशियन गेम्स है, जब से पैरा एशियन गेम्स शुरुआत हुई तब से मैं पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ। जो पैरालंपिक टोक्यो में हुआ था उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, और मैं 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। इस बार जैसे एशियन गेम्स में 107 मेडल्स आए, आई होप हमारे पैरा एशियन गेम में भी 100 से ऊपर मेडल आए, और उसमें मेरी भागीदारी कुछ ज़्यादा हो। जितने इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा तीनों इवेंट में मैं मेडल लूँ और अपने जो मेडल टेली है उसको और ऊपर रखूँ। डेफिनेटली हमारी पैरा बैडमिंटन टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, और आई होप कि हम मोर देन 15 मेडल्स इंडिया को दे, ओनली पैरा बैडमिंटन से ही मिले उनको, और इस ये मेडल अपने मेडल टैली को बहुत ही इम्पोर्टेंट रखेगी 100 पार करने के लिए।